मैं अब आपको डायबिटीज़ को लेकर जो कॉमन भ्रांतियां हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक जो सबसे कॉमन भ्रांति है वो है कि इंसुलिन अगर किसी व्यक्ति को स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि उनकी आखिरी स्टेज आ गई है। लेकिन ये बहुत बिल्कुल ही गलत बात है। इंसुलिन हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, ना कि एंड स्टेज आने पे देते हैं। दूसरा, इंसुलिन तब स्टार्ट किया जाता है जब किसी व्यक्ति की शुगर बहुत ही अनकंट्रोल रहती है, या उनको साथ में कुछ ऐसी बीमारी रहती हैं जिसमें हम मेडिसिन ज़्यादा नहीं दे सकते, जैसे कि किडनी की बीमारियाँ, या फिर कई बार इंसुलिन प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इंसुलिन कुछ एंड स्टेज में देने वाली दवाई है, ना ही इंसुलिन ऐसा है जिससे कि शरीर में कुछ नुकसान होता है। इंसुलिन तो सबसे अच्छी दवाई है डायबिटीज़ के लिए, और ये सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकती है। दूसरी एक भ्रांति है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाता है तो उसको शुगर हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीठा ज़्यादा खाने से शुगर हो जाए। शुगर होने के और भी बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, या डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री होना। तो अगर कोई व्यक्ति मीठा खाता है लेकिन साथ में एक्सरसाइज करता है, अपने वजन को कंट्रोल रखता है, तो उसको डायबिटीज होने का रिस्क कम है। अगर दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति मीठा खाता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको मोटापा हो जाता है, तो उसे डायबिटीज होने का चांस ज़्यादा है। डायबिटिक व्यक्तियों में एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वो लोग शुगर की जगह पे गुड़, शक्कर या शहद ले सकते हैं, लेकिन गुड़, शक्कर और शहद में भी उतनी ही मात्रा में चीनी रहती है जितना कि कॉमन शुगर में रहती है। तो उन्हें ये चीज़ें भी कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए। इनसे भी उनकी शुगर जो है वो उतनी ही बढ़ेगी जितनी कि चीनी खाने से। इसके अलावा एक और मिथक है कि डायबिटीज़ के लोगों को कुछ स्पेशल फूड खाना चाहिए, उनको अलग तरह का आटा खाना चाहिए या अलग तरह का कुछ खाना खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर वो हेल्दी खाना खाते हैं जिसमें कि सब तरह की सब्जियां हैं, जिसमें रोटी है, चावल हैं, दालें हैं, अगर नॉनवेज चाहें तो नॉनवेज भी खा सकते हैं, अगर वो ये सब लेते हैं तो उन्हें अलग से कोई स्पेशल फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। एक और भ्रांति है कि फ्रूट्स जो कि बहुत अच्छे समझे जाते हैं, वो कितनी भी मात्रा में डायबिटीज़ के व्यक्ति ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ के लोगों को फ्रूट जो हैं वो लिमिटेड मात्रा में लेने चाहिए। फ्रूट्स में भी चीनी रहती है, और अधिक मात्रा में लेने से वो शरीर में जाके चीनी के शुगर के लेवल को बढ़ाएगी। दूसरा, डायबिटीज़ के लोग मिठाई खा सकते हैं या नहीं? तो डायबिटीज़ के लोग मिठाई खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर उनके शुगर लेवल कंट्रोल में है तो ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है तो उन्हें मिठाई खाने से परहेज करना चाहिए पूरी तरह से। एक और मिथक रहता है कि सब मोटे लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर व्यक्ति एक्टिव है, अगर व्यक्ति एक्सरसाइज करता है रेगुलरली, अगर उनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, तो उन्हें डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत कम रहता है, अगर वो मोटे हैं तो भी।